नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्यार के बारे में। 99% लोगों को, इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया हो, पूरा वर्ल्ड हो, 99% लोगों को ना दो मोड पे प्यार हो जाता है। पहला मोड होता है स्कूल का प्यार, दूसरा होता है कॉलेज का प्यार। मतलब जितने लोगों को इंडिया में कोरोना नहीं होगा ना, उससे ज्यादातर लोगों को ना एक दो मोड पे प्यार हो जाता है। पहला प्यार होते बात करते हैं स्कूल के प्यार के बारे में। मतलब स्कूल में हम उस लड़की के साथ में प्यार हो जाता है ना, कोई भी वेब सीरीज देख लो, कोई सीरियल देख लो, कोई फिल्म देख लो, सभी मतलब उस सभी में एक ही दिखाया जाता है कि उस लड़की के साथ प्यार हो जाता है जो लड़की होती है टॉपर। हम तो ठहरे बैक बेंचर, क्योंकि हम आदमी हैं, हम लड़के हैं, हमें तो टॉपर बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर उस लड़की के साथ प्यार में हो जाता है जो पैरों पर पायल, माथे पे बिंदी, आंखों पे चश्मा और दो चोटियां पहन के आती है। वो बनती है, वो होती है टॉपर, वो बनती है पहले बेंच पर, हम बैठते हैं लास्ट बेंच पर। मतलब लेजर गन जितनी जल्दी अपने टारगेट को एक्सेप्ट कर नहीं लेती है ना, उससे जल्दी कई जल्दी अपनी आंखें उस लड़की को घूरना चालू कर देती है। फिर इसी चक्कर में निकल जाते हैं साला। अगर क्लासरूम क्लास खत्म होने के बाद अगर उस लड़के से पूछ भी लो कि उस लड़की ने कितने पन्ने पलटे, क्या पन्नों पे क्या क्या लिखा है, तो सब कुछ बता देगा, क्योंकि इसने इतना लड़की को घूरा होता है। तो ऐसे होता है स्कूल का प्यार होता है। फिर ऐसे खत्म खत्म करते 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 आ जाते हैं एग्जाम। मतलब अगर सच्चे प्यार की डेफिनेशन कोई होगी ना, सच्चे प्यार की डेफिनेशन एक ही है कि एग्जाम हॉल, एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम हॉल में खुद का नंबर देखे बिना उस लड़की का नंबर हमारे एग्जाम हॉल में आए कि नहीं, ये देखना मतलब सच्चा प्यार होता है। फिर ऐसे करते करते एग्जाम में अगर वो लड़की हमारे सिर्फ इरेजर ही मांग लेना, दोस्तों को आके इतनी बड़ी बड़ा चढ़ा की बातें बता देंगे, जैसे बिग बॉस का उसने उसके साथ पूरा सीजन खत्म कर लिया, वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला 4 महीने वाला सीजन खत्म कर लिया, उसने तो मांगा सिर्फ इरेजर ही होता, लेकिन बड़ा चढ़ा के हम दोस्तों को बता देते। ऐसे करते करते वो लड़की आ जाती है टॉपर, फिर उसको टॉपर के डिवीजन में डाल दिया जाता है। हम होते लास्ट बेंचर, हम वहीं पर रहते, पूरा स्टैंड अप निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है, लेकिन हम बैक बेंच के बैक बेंचर ही रह जाते। फिर वो खत्म हो जाता है उसका, उस दिन होता है हार्ड ब्रोक हो जाता है जब उस लड़की की डिवीजन चेंज हो जाती है। तो इसी तरह खत्म हो जाता है स्कूल का प्यार भी। मतलब वो कुत्ते नहीं होते जिनको बांध दिया जाता है रस्सी से बहुत साल बांधने के बाद और उनको छोड़ दिया ना, खुद को शेर समझने लगते, वैसी हालत होती है स्कूल के बच्चों की। बहुत प्रोटेक्शन में रहते हैं स्कूल के बच्चे, स्कूल में नियम वाली जाता होती है, ये मत करना वो मत करना। फिर वो आ जाते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। मतलब KTM से लेकर होंडा तक का इनका सफर शुरू हो जाता है। पैरों में शूज डाल देते हैं, हाथ पे आईफोन, कान में बोर्ड के हेडफोन, सब कुछ लगा के ना ये टाइट अपनी मने सुरे की गैंग लेके ना ये चल जाते हैं कॉलेज की ओर चल जाते हैं। मतलब इनमें एक होता है मोटा सा लड़का, एक पतला सा लड़का और दो तीन इनके टाइप के लड़के होते हैं। मतलब ये सब कुछ कान हमारे साथ कर लेंगे, लेकिन एग्जाम देने में और पढ़ाई करने में रटने में सब कुछ तेज होते हैं। फिर ऐसे करके पहले दिन होता है इंट्रोडक्शन, 5 मिनट में आपको सब कुछ बता देना है। मतलब आप कहाँ से आए हो, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है आपको लाइफ में, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका भाई क्या करते हैं, सब कुछ मतलब आपकी जिंदगी 5 मिनट में बता देनी होती है। मतलब आपको 5 मिनट का ऐसा ट्रेलर देना पड़ता है कि लोगों को पता चल जाए कि आप अगली फिल्म क्या आने वाली है और क्या होने वाला है फिल्म के बारे में। ओके, तो फिर ऐसे करके पूरी क्लास को 5 मिनट तक घूरते हैं, क्योंकि टीचर तो अभी आए नहीं होंगे। 5 मिनट तक पूरी क्लास को ना ऐसे घूरेंगे, जितनी जल्दी बॉम्ब डिटेक्टर नहीं बता देता कि यहाँ पे बॉम्ब है, उससे ज्यादा कई जल्दी इनका दिल बता देता है कि कौन सी लड़की से इसको प्यार हो गया। फिर ऐसे घूरते घूरते एक बीच में लड़की नजर आ जाती है, वो होती है छोटी सी पतली सी लड़की, गोरी सी लड़की, उनको उससे हो जाता है प्यार। मतलब वो नहीं था गोरी सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय, उस लड़की के साथ में इनको हो जाता है प्यार हो जाता है। चलो फिर वो इंट्रोडक्शन देती है। मतलब बूढ़े आदमी जितनी जल्दी भगवान का प्रवचन ध्यान लगा के नहीं सुनते ना, उससे कई ज्यादा ध्यान लगा के उस लड़की का इंट्रोडक्शन सुन रहे होते, क्योंकि उनको पता है वो इंट्रोडक्शन भी बता रही है, वो किस गली से आई है, किस गली में रहती है, उसका नाम क्या है, उसका बाप क्या करता है, सब कुछ बता देती है। फिर ऐसे करके फिर शुरू हो जाता है उसको फॉलो करने का सफर। फिर बाइक पे उस लड़की को फॉलो करना, गली तक छोड़ के जाना, गली तक ही छोड़ने जाते हैं, क्योंकि घर के सामने अगर उसके भाई ने देख लिया तो सैरट में जितने परिंदा ने परसा को नहीं मारा होगा, उससे ज्यादा कहीं वो लड़का अपने को मार देगा, इसलिए वो फिर गली के कॉर्नर तक उसको छोड़ने जाते। फिर एक कमीना दोस्त ऐसा होता है ना भाई साहब, मतलब खुद का भाई 10 साल बड़ा भी हो ना, उसको कभी भैया नहीं बुलाता होगा, लेकिन उस लड़की को भाभी बुलाना शुरू कर देता है। और मतलब ए भैया देख यार, वो तेरी तरफ देख रही है, भाभी तेरी तरफ देख रही है, ऐसे बोलते समय ना 10-20 बार तो वो भाभी को खुद ही घूर रहा होता है लड़का। फिर ऐसे करते करते एक कमीनाबंदी दोस्त होता है जिसको सोशल मीडिया का पूरा कमीनाबंदी का ज्ञान होता है। फिर वो लड़का आ जाता है, फिर बता देता भाई उस लड़की का इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो कर ले, फिर मतलब लड़की है तो उसका अकाउंट प्राइवेट ही होगा। फिर हम डाल देते हैं रिक्वेस्ट, 10-12 दिन बाद वो लड़की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते, इस मायने में एक्सेप्ट कर लेते कि हमारा क्लासमेट है, हम तो समझते कि वो अपने को फ्रेंड मानने लगी है। फिर ऐसे करते करते वो हाई डाल देते हैं, फिर लड़की आए इनमें ताटूट कुट कुट के भरा होगा। फिर लड़की हाई का रिप्लाई, अगर 12 बजे इसने हाई डाल दिया तो 1 बजे इसका हेलो रिप्लाई आ जाएगा। फिर वो रिप्लाई देख के ना 1 वीक तक तो वो लड़का बहुत खुश रहता है। फिर लड़का है मतलब कमीनेपंती की हद तो पार ही कर देगा, खुद को सलमान खान या शाहरुख खान समझने लगता है। फिर हाई के साथ साथ वो बातें बढ़ाने लगता है, अपनी बातें करने लगता है। फिर बढ़ाते 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 व्हाट्सअप का नंबर मांग लेता है। अगर लड़की ओपन माइंडेड होगी तो व्हाट्सअप का नंबर नहीं देगी देगी और 80% लड़कियां यही पे ब्लॉक कर देती है। फिर बंदे का हो जाता है हार्ड ब्रोक हो जाता है बंदे का। फिर वही स्कूल से लेके कॉलेज वाली दोस्ती, फिर वही सारी मस्ती, फिर वही पुराने यार और ढूंढने निकल जाते पहला प्यार, फिर यही सारे करने का त्यौहार, फिर यही कमीनाबंदी के हाथ पार कर देते लोंडे, और इसी 2 जगह पे हो जाता है सबको प्यार। एक होता है स्कूल वाला प्यार, एक होता है कॉलेज वाला प्यार। शुक्रिया।